कि मोहब्बत मुकम्मल हो गई मेरी, फाइनली शी ब्लॉक्ड मी ऑन फेसबुक। 2019 है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशन, तो ये भी एक मेजर है नापने का कि तुमने कितनी सच्ची मोहब्बत की है, कितनी इबादत है तुम्हारी मोहब्बत में। सो फाइनली शी ब्लॉक्ड मी ऑन फेसबुक, नॉट ऑन व्हाट्सएप। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं है उसका, बात नहीं होती उससे, हुआ करती थी, और नंबर एक नहीं तीनों है उसके मेरे पास, पर हिम्मत नहीं है मैसेज करने की उसे, क्योंकि प्यार आपको कमज़ोर बना देता है, प्यार आपको कमज़ोर बना देता है। एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तब वो एक दूसरे की केयर करते हैं, परवाह करते हैं, डांटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, मनाते हैं, रूठते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पर आप अकेले बिना उसे बताए उससे एक तरफा प्यार करते हो तो वो प्यार आपको कमज़ोर बना देता है, काफ़ी कमज़ोर। आप उस इंसान के लिए सारी दुनिया से लड़ सकते हो, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर जब वो इंसान तुम्हारे सामने होगा तब तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। ये एक तरफा प्यार की कमज़ोरी है, वो तुम्हें टीज करेगा, चिढ़ाएगा, गुस्सा दिलाएगा, अपने क्रशिज़ के काम करवाएगा, पर तुम उसके आगे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये एक तरफा प्यार की कमज़ोरी है। सो फाइनली शी ब्लॉक्ड मी ऑन फेसबुक। तो ये कहानी शुरू हुई मेरे उसे ब्लॉक करने से। जाकिर खान के फैन है अपन, तो सख्ती थी तो अपन ने ब्लॉक कर दिया उसे, पर फिर सोचा जो हर एक तरफा आशिक ने जहां सोच रखा होगा कि अनब्लॉक कर देता हूं यार, लेट हर रियलाइज व्हाट शी इज मिसिंग। सो मैंने उसे अनब्लॉक किया। अब मेरे अनब्लॉक करने के बाद हम दोनों की बातें सिर्फ लाइक्स में हुआ करती थी, वो मेरे फोटो लाइक करती थी और मैं उसके, और कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। तो अक्सर की तरह मैं अपने रूम में बैठा गाना सुन रहा था, गाने का नाम था कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम हंसी साया। तभी एक मैसेज पॉप हुआ मैसेंजर पे, मैंने देखा उसी का मैसेज था, लिखा था ओए सुन। वो मैसेज पढ़कर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, सुन्न सा पड़ गया, मैं रुक गया। वो मैसेज पढ़कर मेरे लिए आलम बिल्कुल वैसा था जैसे वो गुजर गई मैं ठहर गया, मैं ठहरा तो ये आलम सहर गया। वो गुजर गई मैं ठहर गया, मैं ठहरा तो ये आलम सहर गया। नजारों ने कहा उससे देख पीछे मुड़कर, जो कभी तेरा दोस्त था आज तेरी गली में से एक गुनहगार की तरह गुजर गया। बिल्कुल वैसा मंजर था मेरे लिए वो। मैंने उसका मैसेज पढ़ा, काफ़ी हिम्मत जुटाकर लिखना शुरू किया, यार तू पागल है, तूने इतने दिनों बाद मैसेज किया है, करेक्ट 8 महीने बाद तूने मुझे मैसेज किया है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एक टाइम पर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता यार, सॉरी 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 अगर मुझसे तेरे से कुछ गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे सिर्फ तेरी दोस्ती मंजूर है, मैं आज के बाद तुझसे कुछ नहीं कहूँगा, सारी पुरानी गलतियाँ सारी भूलों को प्लीज़ भुला दे। और काफ़ी हिम्मत कर कर सेंड के नीचे वाला बैकस्पेस दबा दिया। फिर मैंने लिखा हाँ बोल, और इंतज़ार करने लगा। लोग यूं ही बदनाम करते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर उससे 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है इंतज़ार करता हुआ दिल। मैं इंतज़ार करने लगा, तो उस इंतज़ार करते हुए दिल ने मुझसे कहा कि यार तूने सिर्फ इतना सा मैसेज लिखा, कहीं उसे एहसास तो नहीं हो गया तेरी मोहब्बत का, वो तुझसे मिलना तो नहीं चाहती। और मैं बहक गया मेरे दिल की बातों में। मैंने तुरंत अब फ़ोन उठाया, अपने दोस्त को फ़ोन किया, उससे मिलने की अच्छी जगह पूछी, सब कुछ सेट करने लगा, सोचा कि हम मिलेंगे, बातें होंगी, और कॉलेज भी साथ मिले ही लेंगे, साथ जाया करेंगे, साथ आया करेंगे, और मम्मी को सिंधी तो वैसे भी पसंद ही है, तो बात तो आगे बढ़ी जानी है। और यार अजीब लगूंगा थोड़ा शेरवानी में, नहीं नहीं उसकी पसंद होगी तो अच्छा ही लगूंगा, कोई बात नहीं। और ना अगर डेस्टिनेशन नहीं हुई ना तो हम लोकल ही कर लेंगे, उसको डेस्टिनेशन बना लेंगे। फिर सोचा कि अगर लड़का हुआ तो नाम रखेंगे वंश, लड़की हुई तो नाम रखेंगे विविधा, दोनों के नाम का कॉम्बिनेशन। मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड्स मॉडर्न सॉल्यूशन अगेन। तो
मेरी जॉब नहीं भी लगी तो क्या है, मैं हाउस हस्बैंड बन जाऊंगा, वो लॉयर तो है ही। और इसी तरह से अगले ज़्यादा नहीं 30-40 साल कट जाएंगे ज़िंदगी के, पर इस ज़िंदगी की 80-90 साल की प्लानिंग में मिला क्या? यू कॉन्ट रिप्लाई टू दिस कॉन्वर्सेशन, पर आई मस्ट से आई डोंट डिजर्व टू रिप्लाई ऑन दिस कॉन्वर्सेशन। वाकई एक तरफा प्यार आपको काफ़ी कमज़ोर बना देता है, काफ़ी। मैंने आखिरी बार जहाँ परफॉर्म किया था वहाँ मुझसे किसी ने पूछा था कि वो कब आएगी सुनने तुझे। मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था उसे देने के लिए। किसी ने ऑडियंस में से चिल्लाकर पूछा था, मुझे नाम शक्ल दोनों याद नहीं, बस मेरे पास जवाब नहीं था उसे देने के लिए। आज मैं जवाब देना चाहूँगा, वो कुछ चार लाइनें हैं, मेरी नहीं है, हम सबके चहेते नीर पुष्पेंद्र सिंह की लिखी हुई हैं और काफ़ी मिस कर रहे हैं सारे लोग आज उनको, तो अर्ज़ किया है। वो लड़का जो शब्दों की आग से मंचों पर कहर ढाता है, वो लड़का जो शब्दों की आग से मंचों पर कहर ढाता है, बस एक लड़की को छोड़ उसे सुनने सारा शहर आता है। थैंक यू, दैट वाज़ इट।